नमस्कार, जोहार। आज एक ऐसे मामले पर हम बात करने जा रहे हैं जो झारखंड के एक युवा एक्टिविस्ट का मामला है। आप लोगों ने नाम जरूर सुन रखा है, ग्लैडसन डुंगडुंग। ग्लैडसन जी बहुत युवा एक्टिविस्ट और बहुत तेवर वाले एक्टिविस्ट माने जाते हैं। ये स्वयं लेखक भी हैं और इनकी पहचान एक पब्लिक स्पीकर के तौर पर भी काफी है। आज हम ग्लैडसन जी के एक खास विषय में, इनके साथ हुए एक मामले को लेकर खास विषय पर बात करने जा रहे हैं। दरअसल अभी चंद रोज पहले एनएचआरसी से, आप समझ रहे होंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जी हाँ, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह तत्काल ग्लैडसन डुंगडुंग को 25,000 का मुआवजा दे। दरअसल मामला आज का नहीं है, हाल फिलहाल का नहीं है, ये 2016 का मामला है, जब केंद्र में तो भाजपा सरकार थी ही, झारखंड में भी भाजपा की रघुवर सरकार थी और ग्लैडसन जैसे कई लोगों को निशाने पर रखा गया था। ये काफी, इनके आवाज बुलंद करने में ये हमेशा युवाओं का नेतृत्व करते रहे हैं ग्लैडसन, और माना जा रहा था उस समय भी कि ग्लैडसन के व्यक्तित्व को लेकर स्थानीय सरकार परेशान है और इसको लेकर कई उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हुई थी। इसी क्रम में संभवतः यह कार्यक्रम, यह एक्शन लिया गया, या उन्हें हुआ क्या कि 2016 में ग्लैडसन को जाना था लंदन, और लंदन में एक सेमिनार अटेंड करना था शायद, और वहां दिल्ली में जब ये पहुंचे और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर ये सवार हुए हवाई जहाज पर, इनको स्थानीय अधिकारियों ने उतरवा दिया, सामान के साथ उतरवा दिया। ग्लैडसन के लिए बहुत परेशानी का विषय था। और इससे आगे क्या हुआ और इसमें वास्तव में क्या क्या इनके साथ क्या अनुभव हुआ, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ में स्वयं ग्लैडसन मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम ग्लैडसन जी का हम स्वागत करते हैं। ग्लैडसन जी को जोहार। जोहार। ग्लैडसन जी, अभी अभी जो मैंने जो बताया शायद आप सुन पाए होंगे, इस बारे में थोड़ी जानकारी आप ही दीजिए। एक्चुअली हुआ ये था कि 9 मई 2016 को मैं लंदन के लिए निकला था, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर मुझे रोक दिया गया था। मेरा सामान जो है कि जहाज में डाल दिया गया था और मैं अंदर जा रहा था। उसी टाइम में इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे रोक लिया और वो पूछने लगा कि आप क्यों जा रहे हैं, आप क्या करते हैं। जब मैंने मानवाधिकार का नाम लिया कि मैं मानवाधिकार के मुद्दे पर काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, और उसी के सिलसिले में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने के लिए लंदन जा रहा हूँ, बस इतना सुनना था। और वो बोले कि मैं थोड़ा देर में वापस आता हूँ। उसके बाद जैसे गए अंदर और वापस आके सीधा उन्होंने कहा कि हम आपको ऑफलोड कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा, पूछा कि कारण क्या है ऑफलोड करने का। तो उन्होंने कहा कि आपका पासपोर्ट जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया गया, इम्पाउंड किया गया है, और उसके लिए आपको हम लोग आगे नहीं जाने दे सकते हैं। आपका सामान वापस लाया जा रहा है, आप अपना सामान लेके वापस जाइए। उसके बाद आपको जो है कि आरपीओ रांची के द्वारा आपका पासपोर्ट भेज दिया जाएगा। फिर मैं वापस आया, वापस आने के बाद फिर आरपीओ के पास गया। तो आरपीओ से मैंने पूछताछ की कि क्या मसला है, क्या मेरा पासपोर्ट इनवैलिड है, क्या है।
तो उन्होंने कहा कि आपका पासपोर्ट बिल्कुल अच्छे सही है, आपका सारा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये उन अधिकारी की गड़बड़ी है। और उन्होंने यह भी कहा कि उनको मुझसे संपर्क करना चाहिए था आपको ऑफलोड करने से पहले। लेकिन एक्चुअली मसला इतना सिर्फ नहीं था। मैं अंदर पता किया तब पता चला कि ऐसे भी मुझे मेरे जो आइडेंटिटी इन्होंने बना के रखा अंदर में, वो एंटी स्टेट एंटी नेशनल नक्सल गतिविधियों में शामिल व्यक्ति, इसी टाइप का उनके अंदर में जो भी पहचान मतलब स्टेट ने मेरे बारे में रखा। अब इसको लेके तमिलनाडु का एक ऑर्गेनाइजेशन है पीपल्स वॉच, उन्होंने केस फाइल किया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। और उसी का सुनवाई करने के बाद आयोग जब जांच किया तो जांच बड़ा लंबा चला, मुझे पता भी नहीं था। इतना सारा कम्युनिकेशन चल रहा था झारखंड पुलिस के बड़े सीनियर अधिकारियों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बीच में। अब उसमें एक बात निकल के आया, चूंकि 2013 में मुझे जब मेरा पहली बार पासपोर्ट मेरा जब्त किया गया था, मैं जर्मनी गया था और जर्मनी के बाद थाईलैंड गया। और जैसे ही मैं वापस आया, घर में देख रहा हूँ कि यह पासपोर्ट अथॉरिटी रांची जो है पासपोर्ट ऑफिस का चिट्ठी आ गया था कि आप अपना पासपोर्ट जमा कीजिए। मैं जमा किया, फिर मैंने पूछा जमा क्यों करवाया जा रहा था, जा रहा है। तब उस समय उन्होंने कहा कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन सही से नहीं हुआ है। लेकिन फिर अंदर मैं अच्छी तरह से गहराई से जानने की कोशिश की, तब मुझे पता चला, मुझे बताया गया, अधिकारियों ने बताया, उन्होंने बताया कि चूंकि आप सरकार के द्वारा चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और उन दिनों आपको याद होगा 2011 में मंगल होनहंगा नामक एक निर्दोष आदिवासी को सरंडा जंगल में गोली मार दिया था सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट ने, और उसको जो है कि कहा गया था कि ये नक्सली था बोल के। और उतना ही नहीं, सरंडा का जो पूरा इलाका को घेर दिया गया था और 25 गांवों को खाली करने की पूरी योजना थी, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े 22 माइनिंग कंपनियों के साथ एमओयू इन्होंने करके रखा था। जब मुझे पता चला तो ये सारा चीज को मैंने एक्सपोज कर दिया, और मंगल होनहंगा के मसले को लेकर विधानसभा में हंगामा हुई जब हमने एक्सपोज किया। उस समय माननीय विधायक रहे आपके बंधु तिर्की जी हुए, या फिर ये विनोद सिंह जी हुए, इन लोगों ने बहुत ताकत के साथ जो है कि विधानसभा में आवाज उठाया और सरकार को जांच के लिए आदेश देना पड़ा। और जांच हुई और साबित भी हुआ। उसके साथ साथ मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 5 सदस्यीय एक टीम को लेकर सरंडा जंगल लेके गया था, 1 सप्ताह वहां पर था। और वो सब करने से पूरा जो है कि पुलिस एक्सपोज हो गया था, पूरा झारखंड में उनके बारे में नेगेटिव चीजें हो गई थी कि ये लोग जो है कि निर्दोष लोगों को मारते हैं पीटते हैं। ऐसे केस आ रहे थे मेरे पास कि सरंडा इलाके में अगर कोई रोड के तरफ ऐसे भी घूम भी रहा था उसको भी पकड़ के सीआरपीएफ लोग बहुत मारते पीटते गाली गलौज करते थे। लेकिन ये मेरा काम का असर ऐसा पड़ा जो पूरा मतलब पुलिस को बैकफुट पे जाना पड़ा। तब इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं उनका एंटी नक्सल ऑपरेशन को डिरेल कर रहा हूँ। और उसी टाइम में आईबी ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट बनाया, यह लिखते हुए कि यह नक्सल गतिविधियों में शामिल है। और उसके साथ साथ उसी समय आप 2011-12 में आप देखते होंगे कि नगड़ी में बड़ा आंदोलन चला और दयामानिधि के नेतृत्व में चला, लेकिन उसमें मेरा भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है युवाओं को मोबिलाइज करने में, रांची बंद करने में। उस समय केस भी हुआ, पुलिस का लाठी भी खाना पड़ा। तो ये दोनों मसला को लेकर बाद में ऐसा दिखा दिया गया कि ये नक्सल गतिविधि में शामिल है, दूसरा ये जो है कि जन विरोधी है, उसके साथ साथ तीसरा ये सरकार विरोधी है। और ये कारण को लेकर मेरा पासपोर्ट जो है कि सीज किया गया था। स्विच किया ले गया। हालांकि इसका कोई प्रूफ, लिखित प्रूफ नहीं था, लेकिन अभी मैं खुश हूं कि ये जो NHRC का कम्युनिकेशन एक्सपोज हुआ बाहर आया, तब IG जो कह रहे हैं कि इसके ऊपर ऐसा ऐसा मतलब पुलिस का IB का रिपोर्ट है। मतलब आप सोचिए, ये हंसने वाली बात है, बिल्कुल मजाक भी है और गंभीर भी है। आप बताइए, जिस आदमी को आप बोल रहे हैं कि नक्सल गतिविधि में शामिल है, वो जो है कि एंटी स्टेट गतिविधि में शामिल है, लेकिन आप जो है कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते उस आदमी पर, तो आप बिना मतलब का बेसलेस आरोप लगा रहे हैं। तो ये हमेशा मतलब अंदर से मुझे बहुत टाइम में पता चलता था। एक समय ऐसे भी था जब मेरा एक एक फोन रिकॉर्ड किया गया, एक एक फोन का जो है कि इन लोग खोज रहे थे कि किसके किससे बात करता है, क्या करता है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं बहुत सेंटर में हूँ,
ना मैं माओवादियों के पक्ष में हूँ ना स्टेट के पक्ष में हूँ। मैं एकदम सीधा चलता हूँ कि भाई मानवाधिकार का हनन जो है कि किसी को करने का कोई अधिकार नहीं है, इसकी संरक्षा करना सुरक्षा करना स्टेट की जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन इस मसले पे बहुत हास्यास्पद बात है, आप सोचिए कि NHRC ने मुझे 25,000 रुपये मुआवजा देने के लिए गृह मंत्रालय को आदेश दिया है। आप सोचिए कि जब मैं लंदन जा रहा था उस समय में मेरा से टिकट जो है उसका कीमत था लगभग 70,000 आने जाने का दोनों मिलाएंगे, तो अब इतना पैसा वहां गया, मुझे तो रिटर्न तो कुछ मिला नहीं क्योंकि दिल्ली से ऑफलोड कर दिया गया। उसके बाद मुझे अलग से फिर जो है कि रांची रिटर्न होने के लिए दिल्ली से बुक करना पड़ा, एक्स्ट्रा चार्ज लगाना पड़ा, तो इतना खर्च हो गया। उसके बावजूद मुझे 25,000 रुपया मुआवजा देने के लिए इन्होंने रिकमेंड किया। और सबसे हास्यास्पद बात NHRC के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो कि मेरा पिछला लगभग 10-12 साल का एक्सपीरियंस है NHRC के साथ में, NHRC हमने खुद बहुत सारे केस में ये साबित कर दिया कि जो विक्टिम थे निर्दोष थे, उन पर जो है कि अत्याचार किया गया, चाहे वो फेक इनकाउंटर का सवाल है, टॉर्चर का सवाल है, या फॉल्स इम्प्लीकेशन का सवाल है, जब भी साबित हमने किया, तब NHRC ने क्या किया, जो व्यक्ति इन लोगों का मानवाधिकार का हनन किया, या उसे हत्या किया या भी टॉर्चर किया, उन लोगों पर कोई कार्रवाई किया नहीं, बदले में क्या करते, सिर्फ मुआवजा दे दिया, किसी को 1 लाख रुपया, किसी को 2 लाख रुपया, किसी को 4 लाख रुपया, किसी को 5 लाख रुपया, तो ये पैसा बांट के एक्चुअली न्याय नहीं कर रहे हैं। यही मेरे वाला में भी हुआ, जब ये पता चला कि मुझे उस अधिकारी ने मेरे मानवाधिकार का हनन किया, जो NHRC का रिपोर्ट में कह रहा है, NHRC खुद स्वीकार कर रहा है कि मेरा मानवाधिकार का हनन हुआ, तो हनन करने वाले पर कार्रवाई होना चाहिए ना। मुझे 25,000 रुपया मुआवजा देके NHRC क्या साबित करना चाहते हैं? तो ये NHRC के ऊपर ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, आखिर मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान जैसा संस्था जो है वो टूथलेस टाइगर, मतलब ऐसे बाघ बन गया है जिसका दांत है ही नहीं है, तो ऐसे संस्थानों को क्या मतलब है? सरकार यूज कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो हमारे पास ऐसे लगता है कि कोई ऐसे संस्थान बचे नहीं है जिसके बदौलत हम लोगों के मानवाधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। कर सके। नहीं, ये तो एक नई बात उभर कर आ रही है आपके आपकी बातचीत से, कि NHRC का जो पर्सनालिटी उभरा है, उसका जो उसकी जो छवि बनी है, उस पर आपने उंगली उठाई है, यह अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। वाकई आप तो काफी लंबे समय से, इनफैक्ट हम लोग तो आपको देख रहे हैं, पिछले 1.5 दशक, 1.5 से 2 दशक से आप एक्टिविस्ट के तौर पर आप झारखंड में बहुत प्रयासरत रहे हैं। आपने देखा कि आप खुद भी इसके विक्टिम भी हैं। यहाँ क्या इसके पहले हालिया जो हालात हैं, पिछले एक दशक में जो डेवलपमेंट हुआ, या कहिए कि भाजपा के आने के बाद से जो डेवलपमेंट हुआ, उसकी तुलना में पिछला कार्यकाल, पिछले जब दूसरे शासक वर्ग था, यहाँ कांग्रेस थी, कांग्रेस के शासन में, आप क्या कैसे तुलना करते हैं? आप तो जैसा अभी आपसे जो बात हो रही है, उससे तो यही लग रहा है कि केंद्र सरकार के खिलौने की तरह यूज कर रही है इन संस्थानों को, तो आप पिछली सरकारों से इसकी तुलना करेंगे और क्या राय है आपकी? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अभी जो कुछ भी हो रहा है, डेमोक्रेसी को अगर कुचलने की बात हो रही है, इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने की जो कार्य हो रही है सरकार के द्वारा, तो इसका फाउंडेशन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ही बना के रखा। अच्छा क्योंकि पिछले बार जब एंटी नक्सल ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया मैसिव लेवल पर पूरे देश में 2009 में, तो इसके जो CEO कौन थे, पी चिदम्बरम थे। आज बहुत बड़ी बड़ी क्रांतिकारी बात करते हैं कि एक्टिविस्ट लोगों का मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उनका जो है कि सुना नहीं जा रहा है। लेकिन आपको मालूम होगा जब माननीय पी चिदम्बरम इस देश के गृह मंत्री थे, तब कैसे जो है कि छत्तीसगढ़ में निर्दोष आदिवासियों की कितनी हत्याएं हुई। जब 18 लोगों की हत्या हुई, तब उन्होंने क्या कहा, बोला कि बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिली है। और जब यह साबित हो गया, पता चल गया कि ये निर्दोष आदिवासी हैं, तब वो बोल रहे हैं कि मैं सॉरी के अलावा कुछ नहीं कह सकता हूँ। और मैं खुद को आपको बता रहा हूं, जब एंटी नक्सल ऑपरेशन शुरू हुआ था, उस समय में मैंने माननीय चिदम्बरम साहब जो गृह मंत्री थे, उनको एक पत्र लिखा कि आप एंटी नक्सल ऑपरेशन
कैसे करेंगे, क्या करेंगे ताकि जो है कि कुछ मतलब आदिवासियों का अधिकारों को हनन ना हो। एक रोड मैप मैंने उनको बना के दिया था। रोड मैप पढ़ने के बजाय उन्होंने मेरे ऊपर ही मतलब आईबी इंक्वायरी शुरू करवा दिया था। अच्छा तो आप किस सरकार को आप सही कहेंगे, किसको गलत कहेंगे? हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पिछली सरकार में एक टेबल टॉक का चांस था कि हम लोग बातें करते थे, है ना। ये अभी की सरकार में बिल्कुल चांस नहीं है। अभी की नहीं सरकार है। क्या है, ये सरकार जो है एक तरह से द्वंद्वों से घिरी है। मतलब वो खुद करती है तो ठीक है, अभी आप देखिए ना क्या हो रहा है देश में। मतलब त्रिपुरा का मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा, वो कह रहे हैं कि अमित शाह जो है वो श्रीलंका और नेपाल में सरकार बनाएंगे। तो जब आप ऐसे कहते हैं तो उन देशों का संप्रभुता पर कोई चोट नहीं पहुंचता। लेकिन जब एक्टिविस्ट, यहाँ के एक्टिविस्ट या बाहर के एक्टिविस्ट अगर किसानों का मुद्दा उठाते हैं तो आपका आपका देश हिल जाता है, आपके संप्रभुता पर चोट पहुंचता है। सचिन तेंदुलकर तक ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। जब मोदी जी जाते हैं अमेरिका और बोलते हैं आपकी बार ट्रम्प सरकार, तब यूएस के संप्रभुता पर कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कोई जो है कि हमारे देश के आदिवासियों के सवाल पर उठाता है, या जो है कि जिस तरह से निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है सिक्योरिटी सुरक्षा बलों के द्वारा, उस पर सवाल उठाता है, तब सीधे बोलते हैं ये जो है कि देश की अखंडता को, एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक्टिविस्ट बाहर जाते हैं और देश के विरुद्ध काम करते हैं। मतलब एक ट्वीट जो है, एक्टिविस्टों का एक ट्वीट, उनका एक टूल किट शेयर करना, उनका एक चिट्ठी शेयर करना, देश उससे टूट जाता है, देश की संप्रभुता पूरा का पूरा खराब हो जाती है। मतलब गजब का माहौल बना के रखा है इन लोगों ने। मतलब यहाँ पे बोलने की आजादी मतलब खत्म। जो भी बोलना है वो मोदी सरकार के पक्ष में बोलना है, जो भी मोदी सरकार के नीतियों के विरुद्ध बोलना है, चाहे वो डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन को तोड़ मरोड़ के खत्म कर रहे हैं, एनएचआरसी जैसी चीजों को जो है कि खिलौना बना के रख दिया, सीबीआई को खिलौना बना कर रख दिया, है ना। चाहे कि देश का इतना बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है उनको बेच रहे हैं। आप किसी चीज पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। आप सिर्फ मोदी सरकार जो भी गलत सही इकोनॉमी का वंटाधार कर दिया इन्होंने, आप किसी पर आपको बात रखने का हक नहीं। आप देखिए किसान लोग इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरे देशों में अगर कुछ छोटी मोटी घटना हुआ, मैं नहीं कह रहा कि उसका कंडेम नहीं करना, तब उनको बहुत बड़ी सिंपैथी है। तो आज आज सबसे बड़ी चुनौती हम जैसे एक्टिविस्टों के लिए है कि हमारे पास डेमोक्रेटिक स्पेस ना के बराबर हो गया है। आज आप बताइए कि छोटी सी लड़की जो कॉलेज जाने वाली है, उसने किसानों का मुद्दा उठा दिया, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। आप क्या करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं? दिशा रवि की बात कर रहे हैं आप। जी, बहरहाल तो आप जो बात कह रहे हैं ग्लैडसन जी, एक बात तो आपने माना कि सरकार में जो भी आती है, जो भी पार्टी आती है, जो भी दल आता है, वो उसका रवैया, उसका चरित्र लगभग दमनकारी होता है। आप एक तुलना देखिए में इसके पीछे हाँ, इसके पीछे मैं बोलिए। एक बात आपको बोलना चाहूंगा, आपको इंटरवेन कर रहा हूं इन बिटवीन। देखिए मैं एक बड़ा प्रोग्राम में था 2010 के आसपास दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उस समय में बात हो रही थी, एक प्रोफेसर थे, जब उनका टाइम हुआ बात करने का तो बोल रहे थे कि भारत में मानवाधिकार लागू नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जो है ह्यूमन राइट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तो मैं सुन के दंग रह गया। तो आप सोचिए कि जिस देश में मानवाधिकार के बारे में इस तरह की नकारात्मक चीजें हैं, मतलब बोलने की आजादी, समानता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, मतलब ये सब लोगों को नहीं होना चाहिए। मतलब इसको लागू करना है तो आप बोलेंगे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तो मूलभूत सवाल यह है, यही है कि जब देश में मानवाधिकार को स्वीकार ही नहीं किया गया है, तब कैसे आप अपेक्षा कर सकते हैं उन लोगों से मानवाधिकार को लागू करेंगे? क्योंकि जो भी मानवाधिकार के लिए काम करता है उसको आप देखते होंगे, आज का बात नहीं है, उनको या तो कह दिया जाता है ये नक्सल सपोर्टक है या फिर आतंकवादी समर्थक है। मानवाधिकार कार्यकर्ता तो लोग उन्हीं के अधिकारों की बात करते हैं, दूसरों के बारे में बात नहीं करते। मतलब इतना नेगेटिव इन्वायरमेंट बना के रखते हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या दूसरे एक्टिविस्ट। अभी तो इन्वायरमेंट का सवाल है ना, पूरा देश का जंगल जमीन सब चीज को पूंजीपतियों को देना है। अब ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट पूरा दुनिया में जो है कि सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपने धरती को रहने लायक नहीं बनाया।
तो आप उनका जो है कि आवाज को बंद करने के लिए उनको टारगेट कर रहे हैं। तो लेकिन इससे कुछ देखिए, लोग चुप रहने वाले नहीं है, न्याय के लिए लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये हम लोग लड़ रहे हैं, तो हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, पूरा धरती का एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति का को सुरक्षित जीवन मिले इसलिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो अभी मंगल ग्रह में जगह ढूंढ रहे हैं ना। मंगल में कौन जाएगा? वही पूंजीपति लोग, जिन लोगों ने धरती को, यहाँ का जंगल जमीन नदी पानी खनिज संपदा को बेच बेच के धरती को बर्बाद किया, यही लोग, इनको आप ऐसा लगने लगा है कि आप धरती बचने वाली नहीं है, तो कोई जगह ढूंढो, तो मंगल ग्रह में जो है कि जाओ जगह ढूंढो, वहां पे रहने के लिए हमारे लिए बना, और वहीं हम लोग जाके सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये लोग वही काम कर रहे हैं पब्लिक मनी को, और उसी में सरकारें, हमारे देश और दूसरे देश की सरकारें रिसर्च के नाम पे अरबों अरबों रुपया जो है कि बर्बाद कर रहे हैं, खर्च कर रहे जिसमें हैं। जनता को सोचना पड़ेगा। लेकिन ये एक बात तो है, नहीं ये बात तो आपने एक पहलू जो रखा, ये वाकई में आदिवासियों की एक सभ्यता से जुड़ा हुआ पहलू है, और आदिवासी जितना प्रकृति संजोने में लगे रहते हैं, ये बहुत कम दूसरे लोगों के बारे में ऐसा देखा सुना जाता है। बहरहाल आज हमारा मुद्दा जो है वो है मानवाधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो आपके साथ घटना हुई। अब आप क्या कहेंगे, 25 घटना 25 तारीख को, सॉरी, आपको जो 25,000 रुपया जो मिला, अब इससे आगे आप क्या मानते हैं, मानवाधिकार आयोग से आपकी अपेक्षा अब क्या है? देखिए, मानवाधिकार आयोग का मौलिक काम क्या है? मौलिक काम है देश में मानवाधिकार को बढ़ावा देना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। तो जिसका जो दायित्व है, उस दायित्व पर खरा उतरना चाहिए। अब जो है कि क्या मतलब बेसिस किया है 25,000 कंपनसेशन देने का, मुझे तो पहले उसका जवाब चाहिए। जब मैं, मेरा जो है कि पूरा यात्रा खराब कर दिया गया, पूरा जो है कि मेरा पैसा वहां पे चला गया 70,000 से ज्यादा, तो आप 25,000 रुपया मुआवजा देके मुझे क्या बताना चाहते हैं? और जो अधिकारी ने इस तरह का काम किया, आपने पकड़ा कि उस अधिकारी की जो है कि मनमानी थी या जो भी था, या फिर जो है कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन था, क्योंकि मुझे तो यह भी बताया गया उस समय में कि मतलब मोदी सरकार ने एक लिस्ट जारी किया था जिसको लुकआउट सर्कुलर बोलते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है मेंशन, मुझे जो चिट्ठी मिला वहां एयरपोर्ट से, उसमें लिखा है एलओसी मतलब लुकआउट सर्कुलर, लुकआउट सर्कुलर में मेरा नाम था, इसका मतलब तो उस अधिकारी की कोई गलती नहीं थी। मोदी सरकार ने कुछ लोगों का लुकआउट सर्कुलर में पूरा जो है कि नाम। लिस्ट रखा था, और जो जो लोग जा रहे थे उनको रोका जा रहा था। तो इसमें जो है कि ये एक तरह से आई वॉश करने की कोशिश एनएचआरसी के द्वारा किया गया है, इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा कि एनएचआरसी को गंभीरता के साथ इन सारे मुद्दों को उठाना चाहिए, क्योंकि आज भी लोग एनएचआरसी को एक मानवाधिकार संरक्षण संस्थान के रूप में जानते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां जहां मैं जाता हूं, किसी के साथ कुछ भी घटना होता है, वो मेरे पास आते हैं, मुझे अप्रोच करते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद रहता है कि कहीं ना कहीं एनएचआरसी हम लोगों को न्याय देगा। तो लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारा कंप्लेन भिजवा दीजिए, कुछ काम हमारा कर दीजिए। तो मैं जो जो कंप्लेन भी भेजने लायक रहता है, मैं जरूर उस पर काम करके भेजता हूँ। लेकिन अगर यह उम्मीद भी टूट जाएगी ना, और मेरा तो एक बार का नहीं है, ये एक मसला है। दूसरा एक मसला था नगरी के समय का, नगरी के समय में पुलिस, जब हम लोग रांची बंद बुलाए थे, तो उस समय में मुझे पुलिस ने पकड़ के हमको बहुत जोर से लोग मारे थे, मेरा घुटना में 2 महीने तक का दर्द रहा था। उस मसले को भी मैंने एनएचआरसी को भेजा था, लेकिन उस मसले को भी आई वॉश करके जो भी रिपोर्ट पुलिस के द्वारा भेजा गया, उसी रिपोर्ट को मान के एनएचआरसी ने उसमें तो कुछ भी नहीं किया। और उसके साथ साथ वहां पे जो महिलाओं के साथ जिस तरह से मारपीट किया गया था नगरी में, किसी का खून बह रहा था, किसी का क्या हुआ था, मेडिकल रिपोर्ट सारा कुछ था उस मसले में भी। ऐसे से बहुत सारे मसले हैं जिस पर एनएचआरसी ने कुछ भी काम नहीं किया, हालांकि कुछ अच्छे भी काम एनएचआरसी से हुए, जैसे मंगल होनांगा का हुआ, चाहे और कई केसेस है, मतलब जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे केसेस है जिसमें हमारे प्रयास से लोगों को, उनको ना सिर्फ मुआवजा मिला, केस में जांच भी हुई, उसके बाद कार्रवाई भी हुई, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम है जहाँ पे जो प्रताड़ित किए हैं परपिट्रेटर हैं, परपिट्रेटर के खिलाफ कार्रवाई हुआ, वैसे बहुत कम केसेस हैं, मुआवजा वाले बहुत ज्यादा केसेस हैं। तो अधिकतर काम एनएचआरसी सिर्फ मुआवजा देने का काम कर रही है, और मुआवजा भी वो क्या कैसे तय करते हैं ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी में 2 लाख, किसी में 1 लाख, किसी में कुछ, किसी में कुछ। नहीं, एक आपसे जो बातचीत हो रही है, इससे ये चीज तो और भी बहुत साफ हुआ कि
अभी तक जो एनएचआरसी जैसी संस्थाओं की भूमिका रही है वो सरकार का पक्षधर जैसा दिखती है, और आपको ऐसा लगता है कि इसमें अधिकारियों को आपने अलग कर दिया, आपने अधिकारियों को अलग किया, और आपने जैसा बताया कि वो लुकअप लिस्ट जो थी उसमें आपका नाम था, मतलब ये सरकार तय करती है और सरकार के जो भी पार्टी की सरकार होती है वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे बाधाओं को, जो आप जैसे लोग हैं जो जेन्युइनली मानवाधिकार के मुद्दे पर बात करते हैं, उठाते हैं मानवाधिकार का मुद्दा, उनको किनारे करने के लिए उनकी एक फेरिस्त बनाती है और एक्शन लेने के लिए अपने अधिकारियों को मजबूर करती है, अपने संस्थाओं को मजबूर करती है। आपने ये भी कहा अभी कि पिछली सरकार में भी ये सब कुछ था, लेकिन उस जमाने में टेबल टॉक का ऑप्शन था, मतलब आप सरकार के साथ थोड़ी बातचीत कम्युनिकेशन हो सकता था, लेकिन वर्तमान सरकार में यह सब कुछ संभावना लगभग खत्म हो गई है। आपकी बातचीत से यही लगता है। तो अंततः मैं अपनी बात अब आपसे, इस बातचीत को हम लोग यहाँ समापन की ओर ले जा रहे हैं, और अच्छा, मैं एक बात इसमें ये कहना चाहूंगा किसी ज्यादा, चूंकि शायद मुझे लगता है ये अधूरा रह जाएगा। देखिए, मौलिक सवाल यह है कि आखिर हम लोग जैसे जितने एक्टिविस्ट बाहर जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उनको जो है कि देश विरोधी के रूप में क्यों देखा जाता है, ये सोचना चाहिए। आपको सिंपल सा देखिए, घर से उठाइए, अगर घर में माता पिता हैं, उनके चार बच्चे हैं, तो एक बच्चा अगर उसको सुना नहीं जा रहा है, बाकी बच्चों का सुना जा रहा है, तो वो बच्चा धीरे धीरे आप देखिएगा पड़ोसी के पास जाके बोलता है कि मेरे माँ बाप ऐसे नहीं सुन रहे मेरा बात। पड़ोसी को क्यों बोलता है? ताकि शायद पड़ोसी उनके माँ बाप को बोल ले, बताए कि देखिए ऐसे हो रहा है। फिर वो नहीं सुनते तो उससे और थोड़ा सा, मान लीजिए उनके टीचर हैं या फिर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनके हेड वगैरह को जा जाके बोलते हैं। वो धीरे 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 अपना जितना बात रखना चाहता है वो धीरे धीरे फैलाता है। अल्टीमेटली उसका एम क्या रहता है? ताकि उनके माँ बाप उसका मुद्दा जो भी है, उसका बात जो भी है, उसका दर्द जो भी है, उसको सुने। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वही कर रहे हैं ना। हम लोगों को लंदन और जो है कि यूरोप और अमेरिका जाके आवाज उठाने की जरूरत क्या है? अगर आप सुनेंगे तो, अगर यहाँ की सरकार है, यहाँ के इंस्टीट्यूशन अगर डिलीवर करेंगे जस्टिस, हम वहां क्यों जाएंगे? आदिवासी का जो भी कानून बनाया गया, CNT SPT कानून या दूसरे राज्यों के कानून है, वो क्या कहते हैं? आदिवासी का जमीन दूसरा नहीं ले सकता है। आप कुछ रोक नहीं रहे हैं, लाखों एकड़ जमीन निकलता जा रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट सबको आपने, इवन न्यायालय को आपने कब्जा करके रख दिया। आज का जुडिशियरी आज इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब जो है कि खिलौना बन के रह गया है। और जब हम इसी बात को लेकर बाहर जाके बात कर रहे हैं, देखिए माइनिंग इलाका में आप चले जाइए, सरंडा जंगल उदाहरण के रूप में, सरंडा जंगल में 1925 से माइनिंग हो रहा है। जब आज भी देखिएगा, इतना लंबा समय से माइनिंग हो रहा है और आज भी 3,000 करोड़ रुपया का हर साल माइनिंग हो रहा है वहां से। अब 3,000 करोड़ का माइनिंग हो रहा है, कहते हैं कि ये विकास के लिए कर रहे हैं, वहां का स्थानीय आदिवासियों का फिर हालत क्यों सुधर नहीं रहा है? वहां का बच्चा जो है, 80% बच्चा 5 साल का छोटा जो है उम्र में, वो जो है कि मालनरिश क्यों है? महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं, क्यों उनके लिए हॉस्पिटल नहीं है, उनके लिए स्कूल क्यों नहीं है? फिर आप माइनिंग, क्या हम लोगों को बेवकूफ बना के जो है कि आप वहां पे माइनिंग ले रहे हैं? आप लूट रहे हैं वहां हमारा खनिज संपदा। और इसी बात को लेके, उठाने के लिए हम अगर लंदन जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हमको रोका क्यों गया? क्योंकि 2015 में मैंने मेरा पहला दूसरा अंग्रेजी किताब मिशन सरंडा लॉन्च हुआ था, जो सरंडा जंगल में जिस तरह से लूट हुई है खनिज संपदा को लेकर, और किस तरह से एंटी नक्सल ऑपरेशन करके पूरा आदिवासियों का गांव खाली करने की योजना थी, ये सारे चीजों को मैंने एक्सपोज कर दी उस किताब में। तब इनको लगा था कि इनको अब रोका जाना चाहिए, ग्लेटसन को रोका जाना चाहिए, ये बाहर जा जा के अपने आदिवासियों का पीड़ा बोल के लिख के दुनिया को बता रहा है। यही दर्द मोदी सरकार को था। तो यही हम कह रहे हैं, अगर आप यहां सुनेंगे तो हम बाहर क्यों जाके जाएंगे बोलने के लिए? तो आप तो सुनने के लिए ही तैयार नहीं है ना। फिर जब हम लोग जैसे लोग बाहर जाके बोलेंगे तो हमें आप कहेंगे ये देशद्रोही है, ये जो है कि विकास विरोधी है। हम लोगों ने, हम आदिवासियों ने इस देश के लिए जितना खोया है, किसी ने खोया है? इसका जवाब कौन देगा? आजादी का पिछला 70 साल में क्या मिला हम लोगों को? नेहरू ने कहा जब डैम बनाए हीराकुद में, इधर जो है HEC बनाया, उधर बोकारो में बनाया, सारे जगह तो जाके बोले कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। उन मंदिरों में हमारा, हम कहाँ हैं?
आधुनिक भारत के मंदिर हमें क्या दिए, दुख दर्द और आंसू के अलावा? मैं खुद पीड़ित आदमी हूं, मेरा डैम जो है कि डैम में मेरा पूरा जमीन डुबा दिया गया, मुझे क्या मिला? बचपन से लेके आज तक दर दर ठोकर ठोकर खाना पड़ रहा है, यहाँ वहां घूमना पड़ रहा है। तो ये इतना दर्द लेके आदमी जो घूम रहा है दुनिया में अपना दर्द सुनाने के लिए, उसको आप जो बोलेंगे राष्ट्र विरोधी। हम लोग जैसे देशभक्त, आप जो लोग कहते हैं राष्ट्र द्रोही, वो लोग हैं क्या? वो लोगों ने अंग्रेजों के साथ दलाली किया, उन्होंने अंग्रेजों के साथ माफी मांगी, और आज हमें वो देशभक्ति सिखाएंगे? ये तो नहीं ना चलेगा किसलयदा? नहीं, आप अभी बहरहाल आपसे बहुत बार बार सुनने को ये बातें मिलती रही हैं, और लोगों को भी, आपके दर्शकों को भी ये बात हमेशा आपसे सुनने को मिलती है, और बड़ी जानकारीपूर्ण बातें होती हैं। आप बहुत खुलकर बात करते हैं, ये अच्छा लगा। और खासकर जब आप इस मुकाम पर हैं कि आपका पासपोर्ट जब्त कर दिया, अभी क्या स्थिति है? अभी आपके पासपोर्ट तो आपके पास है या हाँ, नहीं, अभी? उसके बाद हुआ क्या था कि माननीय जयराम रमेश जी, जो हमारे काफी अच्छे संबंध रहे उनके साथ, तो हालांकि मैंने कुछ रिक्वेस्ट उनको नहीं किया था, वो जैसे पेपर में पढ़े थे उन्होंने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद तुरंत 2 महीने के अंदर में मुझे जो है पासपोर्ट कि एक मिल अच्छा बहुत फर्निश्ड लेटर के साथ मुझे भेजा गया पासपोर्ट, गया। बताया गया कि आपके अच्छा, पासपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर दिक्कत मैं नहीं है। और कई जगह बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शामिल होके वापस आया। आपने यात्राएं की कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जी उसके बाद जी भी, और आप अपना सफर जारी रखे हुए हैं, और इस अंदाज में जैसा अभी आपने वो अंदाज बयां किया, वो अपने आप में अनोखा है। और हमें लगता है कि आपके साथ आवाज उठाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, खासकर झारखंड में तो हम लोग देख ही रहे हैं। और आवाज आप उठाते हैं, जैसा आपने अब साफ कर दिया कि अगर घर के माता पिता बात मेरी नहीं समझेंगे तो पड़ोसियों को जाकर बताना पड़ता है बच्चों को, और पड़ोसी फिर आकर माँ बाप को समझाएं। बहरहाल, हम आशा करते हैं कि सरकार आपकी बात सुने समझे। इन्हें चार सी जैसी संस्थाएं जो अभी बिना दिखावे के दांत वाली संस्था बन गई है, इसको अपने असली भूमिका में सामने आना चाहिए, और सरकार को भी समझना पड़ेगा। बहुत दिनों तक आप ऐसी आवाज, इतने दमन किए जाने के बाद उठ रही आवाज को दबाना इतना आसान नहीं होगा। आप ग्रैंडसन जी को सुन रहे थे, आप लोग भी इस पर विचार कीजिए, और ग्रैंडसन जी को मैं धन्यवाद और जोहार के साथ में एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। और धन्यवाद, आपने समय दिया, और आप दर्शकों को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सुने समझें आपको भी इस पर। धन्यवाद, आपको भी हाँ, धन्यवाद, आप हमेशा हमेशा आप मंच देते रहते हैं मुझे। नहीं, आपका आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है। आप जैसे युवाओं को सामने आने की जरूरत है, झारखंड जैसे प्रदेश में खासकर। तो बहरहाल, आज हम अपनी बात हम लोग यही समाप्त करते हैं, और अब तक आप दर्शकों से अनुरोध है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने इस वीडियो का में आपको जो कुछ भी सुनने को मिला, जो लोग नहीं सुन पाए हैं उन तक शेयर करें, उनको बताएं कि हमारे युवा क्या सोचते हैं आज के हालात पर, आज की सरकार या सिस्टम पर, उसकी जो दमन की जो नीति होती है उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। बहरहाल, आज हम बात यही समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार फिर से एक बार ग्रैंडसन जी को, जुगनू जी को, और आप दर्शकों को भी नमस्कार।